प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं। यह 10 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण व खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सभी जीव विभिन्न विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा भोजन को लेते हैं। इसमें से कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। हम मरमर पक्षी को देखते हैं। यह एक बहुत ही छोटे आकार का पक्षी होता है। यह भोजन कैसे लेता है? इसकी एक छोटी सी चोंच होती है, जिससे चूस करके पौधों का मकरंद लेता है। और मधुमक्खी भी चूषण विधि द्वारा भोजन लेती है। मानव और कुछ जंतु, शिशु सिर्फ माँ के दूध से ही भोजन प्राप्त करते हैं और बड़े होने पर अन्य खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर देते हैं। अजगर जैसे जीव समूचे प्राणी को, यानी पूरे प्राणी को अपने मुंह में अंदर निगल जाते हैं और इनके शरीर में कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो रस स्रावित करती हैं, निकालती हैं, जिससे पूरा जीव पाचित हो जाता है। जलीय प्राणी अपने आसपास तैरते हुए खाद्य पदार्थ को, खाद्य कणों को लेते हैं। जैसा आपने एक्वेरियम में रखी हुई मछलियों को देखा होगा, आप सभी ने स्टारफिश को जरूर देखा होगा। पानी में टीवी में इसे दिखाते हैं। इसे तारा मछली भी कहते हैं। इसके शरीर पर एक बहुत कठोर कवच होता है। और ये खाना कैसे खाती है? जो इसका शरीर होता है, इसके मध्य में इसका मुंह होता है, जिससे यह अपना माशय बाहर निकाल लेती है। शरीर से बाहर आता है, भोजन को पचाता है और फिर इसको अपने अंदर ले लेता है। सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण सारणी में लिखनी है। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक हैं जिससे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ऊपर दिए हुए हैं, इसे मैच करके हमें कौन सा जंतु किस प्रकार भोजन लेता है उसके सामने लिखना है। जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी या चूषण इत्यादि। घोंगा, घोंगे के शरीर में एक जीभ होती है जिसमें कुछ कांटे जैसी संरचनाएं लगी होती हैं, जो कुछ दांत जैसी दिखाई देती हैं। जब घोंगा भोजन लेता है तो ये दांत उस भोजन में गड़ जाते हैं और जीभ के द्वारा शरीर के अंदर ले लिए जाते हैं। चींटी के पास जबड़े होते हैं, जिससे वह बड़े टुकड़ों में भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और अपने शरीर में ये ठोस भोजन लेती है। घोंघा भी ठोस भोजन प्राप्त करता है। चील जीव को पकड़ती है, उसे छीलती है और उसके बाद उसके शरीर के मांस को काट कर खा जाती है। मरमर पक्षी कैसे भोजन प्राप्त करता है? वह चूषण विधि द्वारा भोजन प्राप्त करता है। उसके पास एक स्पंजी साइफन होता है। साइफन एक मुंह में जीवा जैसी संरचना होती है, जो पाइप जैसे आकार का दिखाई देता है और जिसके द्वारा चूस चूस के भोजन लिया जा सकता है। यह कुछ संरचना ऐसी दिखाई देती है जैसे हम पाइप से किसी जूस को पीते हैं। जू भी साइफन विधि द्वारा, चूषण विधि द्वारा भोजन लेती है। इसी प्रकार मच्छर और तितली भी भोजन प्राप्त करते हैं। मक्खी भी साइफनी स्पंजी चूषण करती है। जब भोजन चूषण विधि द्वारा लिया जाता है तो एक तरल पदार्थ के रूप में लिया जाता है। इसीलिए हम मरमर पक्षी, जू, मच्छर, तितली, मक्खी, इनके सामने आहार का प्रकार वाले कॉलम में तरल पदार्थ लिखेंगे। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।